अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दम बिरयानी। अच्छा, इसके लिए मैंने ली है चिकन हाफ़ के जी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही मैंने ली है हाफ़ कप, प्याज मैंने ली है 2 अदद, ब्राउन कर लिए। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आलू भी मैंने 2 अदद लिए हैं, इसके छोटे छोटे पीस करे हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें, छोटी बड़ी मिर्चें 4-4 अदद। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉम्बे बिरयानी मसाला, पूरा पैकेट हाफ़ के जी का। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ये देखें इस तरह, और 1 घंटे के लिए छोड़ दें इसे। चाहे आप देखचे में ट्रांसफ़र कर दें, डाल दें इसे इस तरह। अब देखचे में ये याद रखिएगा कि ऑयल नीचे से ज़रूर डालिएगा। मैंने भी ऐड किया है, जो प्याज तली थी वही ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं अलग से पतीले में चावल के लिए पानी बॉईल कर रही हूँ। चावल मैं ऐड करूँगी, गरम मसाले डाले हैं, नमक मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी, चावल बॉईल हो जाएंगे अच्छी तरह हमारे, उसे मैं छन्नी में निकाल दूँगी। फिर इसके बाद जो है इन वाइट चावलों को मैं उस मसाले के अंदर, जो चिकन में लगाया है हमने मसाला, इन चावलों को मैं उसके अंदर डाल दूँगी, देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं जर्दे का रंग ऐड करूँगी, प्याज जो मैंने बचा के रखी थी वो मैंने ऐड कर दिए, ऊपर से मैं गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा डालूँगी ताकि अच्छी खुशबू आए। फिर मैं इसे ढक कर ढाँप दूँगी, चाहे आप इसे कपड़े से कवर करें, चाहे आप इसे कोई भारी चीज़ ऊपर रख दें। मैंने भारी चीज़ ऊपर रखी है, आप इसे ढक कर और फ्लेम इसकी जो है मीडियम रखेंगे हम, 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, फिर 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे हम इसे पकाएंगे ताकि हमारी चिकन आलू सब अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें हमारी बिरयानी रेडी है। थैंक यू सो मच गाइस, बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी बनी थी। अल्लाह हाफिज़।